वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ सबस्टेशन के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक 800 केवीए 11x0.4 केवी 50 हर्ट्ज का भीतरी उपकेंद्र संस्थापित करना है, जिसे चार परिपथों 200 केवीए प्रत्येक में बांटा गया है। संस्थापन की कुल लागत का आकलन कीजिए, जबकि HT लाइन 30 मीटर दूर है। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। एक 800 केवीए, तो केवीए किसकी रेटिंग होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। तो इसका क्या मतलब है, सबस्टेशन में 800 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ओके, 11x0.4 केवी, इसका क्या मतलब है? अब इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में हम 11 केवी देंगे और आउटपुट में हमें 0.4 केवी, मतलब 400 वोल्ट मिलेगा। ओके, ये सबस्टेशन कैसा है? भीतरी उपकेंद्र, मतलब इंडोर टाइप सबस्टेशन है। ओके, जिसका आपको संस्थापन करना है। सबस्टेशन से चार फीडर निकाले गए हैं 200 केवीए के। यहाँ 800 केवीए था तो इसको हमने चार भागों में बांट दिया, तो 200 केवीए प्रति। और जो 11 केवी की HT लाइन है, वो बिल्डिंग से, मतलब जहाँ पर हम इंडोर टाइप सबस्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, वो 30 मीटर दूर है। मतलब 11 केवी की HT लाइन इंडोर टाइप सबस्टेशन से 30 मीटर दूर है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका सलूशन करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सलूशन हम कैसे करते हैं। हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एजम्पशन। तो पहला एजम्पशन है, बिल्डिंग पहले से बनी हुई है। ओके, जो जहां पर हम इंडोर टाइप सबस्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, वहां की जो बिल्डिंग है वो पहले से बनी हुई है, उसी बिल्डिंग में आपको इंडोर टाइप सबस्टेशन इंस्टॉल करना है। दूसरा एजम्पशन क्या है, HT लाइन से सबस्टेशन तक अंडरग्राउंड केबल द्वारा किया गया है। मतलब जो 11 केवी की HT लाइन है, इस HT लाइन को सबस्टेशन तक अंडरग्राउंड केबल द्वारा लाया गया है। अब यहाँ हम अंडरग्राउंड केबल द्वारा क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि HT लाइन और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। ओके, नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, 800 केवीए का एक ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन है आपका, सबस्टेशन 30 मीटर दूर 11 केवी डबल पोल संरचना से संयोजित किया जाना है। ओके, अगला एजम्पशन क्या है, सबस्टेशन से चार फीडर निकाले गए हैं। ठीक है, 200 केवीए के। तो इतने एजम्पशन से हम लोग क्वेश्चन का सलूशन कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा करंट का कैलकुलेशन करना। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम दो तरह की करंट को फाइंड करेंगे। एक होगा हमारा HT करंट और एक होगा हमारा LT करंट। अब यहाँ पर हम दो तरीके का करंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, आइए इसको जानते हैं। सबस्टेशन का जो मुख्य उपकरण होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर की क्या विशेषता होती है, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, वो हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करता है ना। मान लीजिए इधर 11 केवी का हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, और इधर हमें
0.4 केवी या 400 वोल्ट का हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इधर हाई वोल्टेज है ना, तो इधर हाई वोल्टेज की साइड हमारा जो करंट है वो क्या है, लो करंट है, मतलब एलटी करंट है। इसलिए हमें एलटी करंट निकालना पड़ेगा कि इस साइड जो भी इसके उपकरण लगेंगे वो एलटी करंट के अकॉर्डिंग लगेंगे, और मतलब इनपुट साइड, और आउटपुट साइड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो एचटी करंट के अकॉर्डिंग लगेंगे, हाई करंट के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए हाई वोल्टेज है हमारा, इधर लो वोल्टेज है 0.4 केवी या 400 वोल्ट, है ना। तो इसलिए हम लोग एलटी करंट और एचटी करंट को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम एचटी करंट फाइंड कर लेते हैं। एचटी करंट IH इक्वल टू पी अपॉन रूट 3 इंटू वी। ठीक है, थ्री फेज है उसीलिए P इक्वल टू रूट 3 VI, इसी फार्मूले से ये निकाला गया है। तो P HT साइड हमारा जो रहेगा वो जो पावर रहेगा वो कितना रहेगा, 800, क्वेश्चन में दिया है ना 800 KV का ट्रांसफार्मर है, फिर रूट 3 रूट 3, और जो वोल्टेज है HT साइड का वो कितना है, 11 KV, तो 11। अब इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 41.99 एम्पियर। ठीक है, तो HT साइड का जो करंट आ गया हमारा वो आ गया 41.99 एम्पियर। चलिए अब हम LT करंट निकाल लेते हैं। LT करंट IL इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जो पावर रहेगा वो 200 रहेगा, क्योंकि हमने चार सर्किट्स में बांट दिया ना, चार फीडर निकाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 200 रख रहे हैं LT साइड, और यहाँ रूट 3 इंटू LT साइड का वोल्टेज कितना है, 0.4 KV, मतलब 400 वोल्ट। ओके, और अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 288.68 एम्पियर आ जाएगा हमारा LT करंट। LT साइड हम चार फीडर निकाल रहे हैं 200 KVA के, तो एक का हम लोग निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि किस रेटिंग का हर सर्किट में लगाना है, हर फीडर में लगाना है ना, इसलिए हम लोग एक का निकाल ले रहे हैं। तो IL इक्वल टू 200/√3 0.4, और इसका सोल्यूशन करेंगे तो 288.68 एम्पियर आ जाएगा हमारा। अतः HT साइड जो फ्यूज सेट लगेगा वो 60 एम्पियर का लगेगा। ठीक है, और LT साइड जो फ्यूज सेट लगेगा वो 300 एम्पियर का लगेगा अकॉर्डिंग टू HT और LT करंट। ओके, अब उसके बाद LT करंट के अनुसार 300 एम्पियर का TPNIC बॉक्स, ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयरन क्लेड बॉक्स की संख्या 4 होगी, क्योंकि 4 फीडर निकाल रहे हैं हम लोग, तो 4 TPNIC बॉक्स लगेंगे। ये एक प्रकार का स्विच होता है। ठीक है, एवं बॉक्स को 4 कोर केबल, धारा क्षमता 300 एम्पियर का होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग केबल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो HT लाइन से सब स्टेशन तक केबल हम लोग अंडरग्राउंड के थ्रू लाए हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 मीटर का पोल लगा हुआ है, ये हमारा GI पाइप है, ये सरफेस है, यहाँ पर सबस्टेशन है। सबस्टेशन और HT लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, केबल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ से हमें लाइन को लाना है, केबल को लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 मीटर का लूप बनाते हैं। ओके, ये हम लोगों ने 1.5 मीटर का ट्रंच, मतलब 1.5 मीटर का गड्ढा खना हुआ है, कहाँ तक, 30 मीटर तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केबल का 5 मीटर का लूप बनाते हैं। अब इस लूप को ऊपर ना दिखा करके हम नीचे दिखाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ लूप बना करके फिर हम केबल को इस तरीके 1.5 मीटर नीचे लाते हैं और फिर इसे 30 मीटर तक बिछाते जाते हैं। फिर इस केबल को हम ऊपर सबस्टेशन की ओर, मतलब ट्रांसफार्मर तक हमें ले जाना है ना, तो यहाँ तक लाते हैं और फिर 5 मीटर का लूप बनाते हैं। तो इस लूप को ऊपर ना दिखा करके हम नीचे दिखा दे रहे हैं और
ट्रांसफार्मर में इनपुट देंगे। ठीक है, ये जो लाइन आई है हमारी 11 केवी की लाइन है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग केबल का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग टोटल लेंथ ऑफ केबल निकाल लेते हैं। तो 10 मीटर पोल वाला, 5 मीटर का लूप, 30 मीटर ये डिस्टेंस, फिर 5 मीटर का लूप, फिर 1.5 मीटर का ये ट्रंच, 1.5 मीटर का ये ट्रंच। ठीक है, तो 1.5-1.5-3 मीटर ये हो गया, और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये 53 मीटर हो जाएगा। ये भी हमारा 1.5 मीटर का ट्रंच है। ठीक है, तो टोटल 53 मीटर हमारा केबल लगेगा HT लाइन से सब स्टेशन तक। केबल आपको 100 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। ओके, अतः HT लाइन को सब स्टेशन से जोड़ने के लिए 6 mm स्क्वायर PVC इंसुलेटेड केबल 53 मीटर प्रयोग होगा। ठीक है, हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि 6 mm स्क्वायर का? तो HT करंट जो कि हमारा आया था 41.99 एम्पियर, इस करंट रेटिंग को हम लोगों ने केबल की टेबल में देखा तो वहाँ से पता चला कि इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग 6 mm स्क्वायर का केबल यूज़ होगा। तो इसलिए हम लोग 6 mm स्क्वायर का PVC इंसुलेटेड केबल यूज़ कर रहे हैं। कितना मीटर लगेगा? तो ये 53 मीटर लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना। तो चलिए लिस्ट ऑफ मटेरियल बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, नेम ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट। तो सबसे पहला मटेरियल होगा हमारा HT लाइन को जोड़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग MS चैनल लगाएंगे विथ क्लैम्प। ठीक है, MS चैनल मतलब एक तरीके का क्रॉस आर्म ही होता है ना, 1.5 मीटर लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? एक लगेगा जो 250 का आएगा। ठीक है, HT लाइन को जोड़ने के लिए हमने H टाइप पोल लगाया है ना, डबल पोल की संरचना वाला। ठीक है, तो इसीलिए 1.5 मीटर का हमारा MS चैनल लगेगा, एक लगेगा। फिर 11 kV डिस्क इंसुलेटर लगेगा, कितना लगेगा? तीन लगेगा, 110 रुपये का, तो इतने रुपये का हो जाएगा। फिर 11 kV पिन इंसुलेटर लगेगा, ये भी तीन लगेगा, तो ये 100 रुपये का हो जाएगा और ये इतने रुपये का हो जाएगा। फिर स्टे सेट लगेगा विथ हॉल फिटिंग्स, कितना लगेगा? दो खंबे हैं तो दोनों पर एक एक लगेगा, क्योंकि H टाइप पोल है ना, तो 600 का आता है तो 1200 हो जाएगा। उसके बाद केबल बॉक्स लगेगा विद ऑल फिटिंग्स, जिसमें केबल लग, केबल स्लीव ये सब रहेंगे। ठीक है, और ये सब के साइज क्या रहेंगे? जिस साइज का हमारा कंडक्टर होगा, मतलब 6 mm स्क्वायर का। ओके, तो ये कितना लगेगा हमारा? एक लगेगा, 700 रुपये का आएगा, 700 हो जाएगा। फिर GI पाइप हमारा 7 मीटर लगेगा। ठीक है, 120 रुपये पर मीटर आता है तो 840 रुपये हो जाएगा। जंपर वायर हमारा एक सबस्टेशन पे, एक इंडोर टाइप सबस्टेशन पे लगभग 15 मीटर लगता है। ठीक है, ये 8 रुपये पर मीटर, बेसिकली ये ACSR कंडक्टर ही होता है हमारा जंपर वायर, तो 120 रुपये का हो जाएगा। बारबेड वायर मतलब एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, ये हमारा पोल के नीचे से 5 मीटर तक लगता है, तो दो पोल्स है ना, इसलिए 10 मीटर लग जाएगा, 5 एक पोल पे 5 एक पोल पे, 2 रुपये पर मीटर आता है तो 20 रुपये हो जाएगा। 5 mm एल्युमिनियम कनेक्शन वायर, ये कहाँ लगता है? इंसुलेटर पर कंडक्टर को बांधने के लिए। ठीक है, एक इंसुलेटर पर लगभग 2 से 2.5 मीटर लगता है, तो 2 मीटर हमने लिया है, और 6 जगहों पे लगेगा, क्योंकि 311 kV डिस्क इंसुलेटर, 311 kV पिन इंसुलेटर है, तो टोटल 6 जगह लगेगा, तो टोटल 12 मीटर लगेगा, 2 रुपये पर मीटर आता तो 24 रुपये। फिर हमारा केबल ग्लैंड लगेगा। ठीक है, 6 mm स्क्वायर का केबल ग्लैंड कहाँ यूज़ होता है? जैसे केबल बॉक्स में या एनर्जी मीटर में केबल को इन कराने के लिए, अंदर ले जाने के लिए एक रबर टाइप का लगा होता है, वही हमारा केबल ग्लैंड होता है, तो ये 2 लगेगा। ठीक है, एक केबल बॉक्स के लिए और एनर्जी मीटर के लिए, तो ये 18 रुपये का आता है तो 36 रुपये हो जाएगा। फिर पेरा टेप लगेगा हमारा, 4 पैकेट, एक जगह पर 2 पैकेट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जगह पर लगाने हैं हमें, एक टर्मिनल साइड और एक हमारा एनर्जी मीटर साइड, तो
दो जगह हो गए तो चार पैकेट लगेंगे, एक जगह पे दो पैकेट तो दो जगहों पे चार पैकेट, 40 रुपये का एक पैकेट आता है तो 160 रुपये हो जाएगा। केबल कंपाउंड एंड बाइंडिंग मटेरियल, ये भी हमारा एक जगह पे दो पैकेट लगता है तो दो जगह लगाने हैं, एक टर्मिनल साइड और एक हमारा एनर्जी मीटर साइड, तो चार पैकेट हो जाएंगे, ये 10 रुपये का आता है तो 40 रुपये। फिर उसके बाद हमारा 6 mm² PVC इंसुलेटेड एल्युमिनियम केबल 11 kV ग्रेड, तो ये हमने निकाला था तो 53 मीटर लग रहा था, ठीक है 53 मीटर आया था ना, तो 30 रुपये पर मीटर आता है तो 1590 रुपये हो जाएगा। फिर केबल बिछाना, तो केबल को बिछाने में जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 1000 का आएगा, तो यहाँ हमने 1000 लिख दिया है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं सब स्टेशन के लिए जो मटेरियल्स लगेंगे, ठीक है। तो सब स्टेशन के लिए हमारा जो तीसरा मटेरियल लगेगा वो लाइटिंग अरेस्टर लगेगा, ये एक लगता है 3000 का आता है। फिर आइसोलेटर लगेगा जिसे हम TPMO स्विच, ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच कहते हैं, ठीक है ये एक लगेगा, 1500 का आता है। फिर HT साइड हमारा HT फ्यूज सेट लगेगा, तो HT साइड का करंट हमारा 40.99 एम्पियर आया था इसलिए हम 60 एम्पियर का फ्यूज लगा रहे हैं, और थ्री फेज है RYB तो तीनों फेजों में एक एक फ्यूज लगेगा इसलिए 3 फ्यूज 1500 का एक आएगा तो 4500 हो जाएगा। फिर 11x0.4 kV 800 kVA का डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, ठीक है एक ट्रांसफार्मर लगेगा, ये लगभग आपका 7 लाख का पड़ेगा, ठीक है। फिर LT साइड LT 300 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर लगेगा, इसी के साथ अमीटर, वोल्ट मीटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, वॉट मीटर, CTPT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, रिले और आदि सभी उपकरण, ठीक है ये सब हमारा लगेगा एक एक, और ये कितने का आ जाएगा, लगभग 1 लाख का आ जाएगा, ठीक है। अब LT साइड हमारा करंट रेटिंग कितना आया था, 288.68 एम्पियर आया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर 300 एम्पियर का ले रहे हैं LT साइड में जो भी लगा रहे हैं प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद हम लोग LT स्विच गियर ले लेते हैं, बस बार 300 एम्पियर, LT साइड में जो भी चीज़ें लगेंगी वो 300 एम्पियर करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग लगेंगी ना, तो बस बार हमारा 300 एम्पियर का आ जाएगा, 3 लगेगा बस बार तो 3000 का एक आता है तो 9000। फ्यूज सेट लगेगा हमारा बैकअप के तौर पे तो 300 एम्पियर का लगेगा, 3 लगेगा 2500 का आ जाएगा तो 7500 हो जाएगा। TPNIC 300 एम्पियर का स्विच लगेगा, ठीक है ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयरन क्लेट स्विच, ठीक है जो फीडर पे लगेंगे, 4 फीडर थे तो हर एक फीडर पे एक एक लग जाएगा तो 4 लग जाएगा, 2000 का एक आता है तो 8000 हो जाएगा। बेसिकली एक प्रकार का स्विच होता है, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल लगेगा आपका लाइट फिटिंग सेट, एक मतलब जो वहाँ पे जो भी इंजीनियर होंगे उन लोगों के रहने के लिए कोई रूम्स होंगे, कंट्रोल रूम होंगे, तो वहाँ पर लाइट फिटिंग सेट भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ओवरऑल मान ले रहे हैं कि जो पूरा वायरिंग करने का, लाइट फिटिंग सेट के वायरिंग करने का 5000 रुपये आ रहा है तो 5000 टोटल ले रहे हैं हम, ठीक है। फिर अर्थिंग सेट हमारा लगेगा, ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर पे अर्थिंग देंगे ना, तो 2 अर्थिंग लगेगा, 1500 का आता है तो 3000 हो जाएगा। फिर नट बोल्ट वॉशर आवश्यकता अनुसार हम 200 रुपये का ले लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद सब स्टेशन और डेंजर प्लेट, ये हमारा एक एक लगेगा, 20-20 रुपये का आता है तो 40 रुपये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि इस वाले कॉलम को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इस कॉलम को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा जो कि होगा आपका 8,48,350 रुपये। अब हम लोग टोटल मटेरियल कॉस्ट का 25% निकाल लेंगे तो वो लेबर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मटेरियल कॉस्ट का 25% निकाल लिया तो हमारा लेबर कॉस्ट आ गया।
फिर हम लोग मटेरियल कॉस्ट का 10% निकाल लेंगे तो इमरजेंसी कॉस्ट आ जाएगा, तो ये इमरजेंसी कॉस्ट आ गया। अब क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इमरजेंसी कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 11,45,272.5 रुपये। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा एक इंडोर टाइप सबस्टेशन को इंस्टॉल करने में।